हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू रेनू की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए कोकोनट बर्फ़ी की रेसिपी लेकर के आई हूँ। फ्रेंड्स, कोकोनट बर्फ़ी घर में बहुत ही आसानी झटपट बन जाता है, बिल्कुल बाज़ार जैसा बनता है, तो आप एक बार इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और मेरी रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिएगा। तो आइए अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई ले लेंगे। कढ़ाई में 1.5 कटोरी मैं दूध डाल रही हूँ और दूध को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। दूध जैसे ही गर्म होगा उसमें मैं चीनी डाल दूँगी। ये देखिए, हमारा दूध जो है गर्म होना स्टार्ट हो गया है। जिस कटोरी से आप दूध लिए हैं उसी कटोरी से चीनी को भी नापें। यहाँ मैं 1/2 कटोरी चीनी ली हुई हूँ। अगर आप चीनी ज़्यादा पसंद करते हो तो आप इसे ज़्यादा ले सकते हो या फिर कम भी कर सकते हो। टेस्ट के लिए, फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर। उसके बाद वापस उसी कटोरी से 1.5 कटोरी डेसिकेटेड कोकोनट ऐसे अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ी देर ही इसे चलाने पर ये ड्राई होना स्टार्ट हो जाएगा। मिल्क जो है सारा अंदर अपने अंदर सोकअप कर लेगा कोकोनट। ये देखिए, अब इस स्टेज में मैं डाल दूँगी इसमें 1/2 कटोरी मिल्क पाउडर। ऐसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहे तो इस समय आप गैस के फ्लेम को बंद कर सकते हो। मिल्क पाउडर मिल्क मिक्स होने के बाद वापस से आप गैस को जला दें। देखिए, हमारा जो है अच्छे से मिक्स हो गया है। ये हो चुका है, देखिए इस तरह से कढ़ाई छोड़ रहा है, मतलब ये अच्छे से पक चुका है। अब इस इतना जो पार्ट है मैं थोड़ा सा साइड में रख रही हूँ। ज़्यादा वाले को मैं एक थाली में निकाल दूँगी। जिस भी थाली या ट्रे में आप निकाल रहे हो उसे अच्छे से पहले से ग्रीस कर लें और इवेनली हर तरफ से अच्छे से इसे फैला लें। ये देखिए, ये हो चुका है। इसके बाद जो मैं साइड में रखी थी उसमें मैं केसर फूड कलर को मिक्स कर रही हूँ। आप दूसरे कलर को भी मिक्स कर सकते हो या फिर वैसे भी बना सकते हो। अगर आप कोई फेस्टिवल में बना रहे हो तो थोड़ा सा डेकोरेट करना तो बनता है फ्रेंड्स। तो आप इसे इस तरह से दीपावली के समय में बना रहे हैं तो आप इसे इस तरह से बनाइए, बहुत ही बढ़िया लगता है देखने में। देखिए, इस तरह से मैं इसे भी फैला लूँगी। ये देखिए, इसके बाद इसके ऊपर से चांदी का वर्क लगाएं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसे स्किप कर सकते हो। और थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद इसे कट कर लेंगे। आप अपना मनपसंद का शेप दे सकते हो। आप इसे इस तरह से बादाम से डेकोरेट कर सकते हो या फिर पिस्ता कतरन भी इसके ऊपर से डाल सकते हो या फिर इसके ऊपर से फूड कलर का ड्रॉप दे करके जैसे बिंदी होता उसे भी लगा सकते हो इसमें। ये देखिए, इसका लेयर भी बहुत ही बढ़िया आया है। तो मैं इसे एक प्लेट में निकाल ली हूँ, बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। आप इसे फ्रेंड्स एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल बाज़ार वाला टेस्ट आता है। नहीं तो मैं बोलूँगी घर में बनाया हुआ और भी बढ़िया टेस्ट आता है इसका। तो आप एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी रेसिपी के साथ में। थैंक यू।